हरे कृष्ण किरण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्रेरणादायी आपने ये उपक्रम और सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। क्षमा करिए थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए मुझे एक शंका है कि ब्लड प्रेशर, अभी शुगर का तो आपने बातों बातों में क्लियर किया, किडनी, हार्ट के डिसीजेस, कैंसर और ब्लड प्रेशर, ये चार चीजें थोड़ा उत्सुकता है कि इनका और ये थेरेपी का कैसा रिलेशन है, ये कैसे इफेक्ट करता है। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता किसकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि घर में अगर झगड़ा भी हो गया तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो बहुत से कारण है। पर एक सीधा मैं आपको समझाता हूँ, ये जो भी है ये सभी बीमारियां एक ही जगह से है, हमारे मलाशय में कूड़ा जम गया, बीमारी बाहर आ गई। वो अगर मैंने पहले आपको दिखाया था, बड़ी आंत का पिक्चर पिक्स दिखाया था, उसमें हर एक पॉइंट्स है, वहां आपके बीपी का भी है, थायराइड का भी है, वो चोकअप हो गया कि बीमारी बाहर आ गई, उसको साफ करो और आप खुद जवाब मुझे 15 दिन के बाद दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया है। बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स, ये बीपी हो, ये ब्लॉकेज के प्रॉब्लम हो, ये हार्ट के, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब आप ये शरीर की शुद्धि करने लगते हो तो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा। तो आप करके देखो, पता चल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। मेरा एक कहना है आपसे कि आप बीमारी एक नाम याद रखो, बीमारी, बाकी उसके कई नाम है, बीपी, शुगर, ये वो, ये सब आप अगर झाड़ू हाथ में दे दिया है तो घर में अलग अलग जगह अलग अलग कूड़ा होगा तो एक ही झाड़ू से निकल जाएगा। उसी तरह आप एनिमा, उपवास, रसाहार, वमन करते हो तो ये सारी बीमारियां निकलती जाएंगी। तो ये आपको करना है, आपका बीपी भी नॉर्मल आएगा। ऐसे बहुत सारे साधक मेरे पास है, आप उनका नंबर लेके उनसे फोन करके पूछ सकते हो, तो ये सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ करो, रिजल्ट मिल जाएगा।